तो आज अपना day 2। सुबह से मैं व्लॉग इसलिए नहीं कर पाया यार, सुबह थी ठंड और एक्सरसाइज तो कर रहा था बट बारिश हो रही थी, मन भी नहीं कर रहा था। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे नियर बाई एक रेस्टोरेंट है, उनके परांठे खाने हैं, ठीक है। तो बहुत मन हो रहा था यार, कुछ भी नॉर्थ इंडियन नहीं खा रहे थे, मैं उनसे वही मतलब वो फूड खा रहे हैं लाइक जो जिसकी आदत नहीं है। बट अभी यहाँ पे लड़ाई होते होते बजी दिखा नहीं पाया मैं आप लोगों को, और जा रहे हैं अभी परांठे खाने। खा के बताता हूँ लाइक अपने नॉर्थ इंडिया जैसे ही परांठे हैं, यहाँ पे कुछ अलग टाइप की है। इंडस्ट्री का टॉन किंग कॉन्ग समॉन ड्रैगन विन टोन हार्मोन अनोन ब्राउन टोन फ्लाइट ऑनियन। वैसे तो यहाँ पे प्लेन परांठा और साथ में चिकन और करी वगैरह देते हैं, प्लेन परांठा रहता है, मैदे का बनता है। मैंने बोला भाई थोड़ा प्याज और मिर्च और नमक डाल के कुछ बना सकते हैं, देखते हैं बना पाते हैं भाई कि नहीं। बन गया तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, फिर तो अपन का डेली सीन है यहाँ पे। बाकी नहीं बन पाया तो चलो कोई बात नहीं, खा तो लेंगे। तो बस वेट कर रहा हूँ यहाँ पे बन जाएगा ढंग का परांठा, भाई मज़ा आ जाएगा। तो बाकी अपने भाई भी आ रखे हैं साथ में, सतीश अमर और मैं। मैंने प्याज का परांठा बोला था, आई गेट दिस प्याज और ये परांठा। तो थोड़ा अपने को मलयालम नहीं आती ना तो अलग अलग हो गया बट सही है यार, कोई बात नहीं। अब नहीं खाते तो नहीं खाते भाई, क्या दिक्कत है, खाएंगे इसको टेस्ट करके मैं बताता हूँ सही है नहीं। परांठा तो यहाँ पे मिलता है ब्रो, लच्छा परांठा टाइप का, और साथ में मतलब आप चिकन करी या फिर देसी जो भी करी वही मिलती है, ठीक है। तो मतलब वो जो देसी अपन आटे वाला परांठा खाते हैं वो तो यहाँ पे नहीं मिलता, लच्छा परांठा मिल जाता है। और यहाँ की चाय देख रहे हो कितना सही गिलास है, अपने होते हैं ना वो ऐसे इस शेप के वी शेप के, वैसा नहीं है, बहुत यूनिक क्लास है। और चाय एक नंबर है, चाय बहुत सही है। बट लाइक लच्छा परांठा ठीक है, मतलब नॉर्थ इंडिया के अब जो फूड है वहाँ पर बिल्कुल नहीं है, बट लाइक लच्छा परांठा यू कैन गेट एंड तुम उसको चिकन के साथ खा सकते हो, और आई थिंक वो ज़्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। और वही है लाइक अपने आप को थोड़ा चेंज कर सकते हो लाइक थोड़े दिनों के बाद, लाइक धीरे धीरे अडेप्ट हो जाएगा फूड। पहले दिन जब मैंने खाया था फूड तब तो मेरे को चक्कर आ रहे थे, सेकेंड डे थोड़ा सा डाइजेशन में हुआ, बट लाइक थर्ड डे आई एम लाइक अडेप्टेड, अब खा लेता हूँ, अब सब हो जाता है। तो ये होता है एक दो दिन तो लगते हैं भाई सबको, बाकी चाय एक नंबर है, थैंक यू। सो जो हमने कल दिया था लंगोटी वो आ चुका है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको पहनते हैं, और भाई मेरा हेल्प करेगा सतीश इसमें मेरे को बताने के लिए लाइक इसको पहनते कैसे। पूरा खोल के नहीं बताऊंगा मैं, मतलब लाइक इस शॉर्ट्स के ऊपर ही पहन के बताऊंगा, ठीक है, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। सो ये है लंगोटी, आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको पहनते कैसे। तो इसको ऐसे पहले पीछे को A few moments later. One eternity later. तो आज हम सीखेंगे कि लंगोटी बांधते कैसे हैं, ठीक है। तो पहले आपको ऐसे पीछे से इसको लेना है और ऐसे टाई करना है, ठीक है। आगे आपको अपने हिसाब से जहाँ पे भी आप बांधते हैं वहाँ पे टाई करना है, फिर आपको इसको राइट कॉर्नर पे ला के ऐसे यहाँ पे राइट कॉर्नर पे बिल्कुल फिर से एक बार अच्छे से दो बार गांठ मार के इसको अच्छे से टाई करना है। फिर जो ये कपड़ा है इसको आपको इनर साइड से बाहर को लेके आना है, जैसे उन्होंने अभी वो कर रहे हैं, ठीक है। आपने इसको इनर साइड से लेके आए और इसको आपने बाहर निकाला, और आपको इसमें एडजस्ट करना होगा आपने, ठीक है। और फिर आपको इसको फिर से बैक साइड से ले के इसको ऐसे अंदर को टाई कर देना। सो ये थी प्रोसेस एक लंगोटी पहनने की। बेसिकली जो लंगोटी है वो यूज़ होता है हमारे टेस्टिकल्स और हमारे मेल ऑर्गन को सपोर्ट देने के लिए, इसका यूज़ होता है।
सो जैसे बहुत से जब हम फाइटिंग करते हैं या फिर कोई भी मार्शल आर्ट करते हैं, तो अगर हम अपने टेस्टिकल्स को और मेल ऑर्गन को अगर सपोर्ट नहीं देते हैं तो उसकी वजह से हर्निया और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो इसके लिए लंगोट सबसे लंगोटी लंगोटी इज़ इट लंगोटी लंगोटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इवन पहलवानी के अंदर भी हम लंगोट बोलते हैं, तब भी हम इसको पहनते हैं, और भी मार्शल आर्ट के अंदर ये चीज़ पहनी जाती है। सो ये था रीज़न मेरा आपको बताने का कि लंगोटी क्यों पहनी जाती है। थैंक यू। अपन लंच करने के लिए, और लंच में देखते हैं क्या बना है। मैंने तो बोला था थोड़ा सा ही लेके आइए, अभी देखते हैं क्या बना है। बाबा ये तो ले आया खाना, और अपने सतीश भाई जी क्या बना है ब्रो? ये पिकल चावल। ओके। पाइनएप्पल कुकुम्बर स्प्राउटेड मूंग दाल। ओके। दिस इज कोकोनट विद सम लीव्स, मुरिंगा लीव्स आई थिंक। ओके। एंड दिस इज करी। व्हाट? करी। करी। सो दिस इज पू तरा। ओके। सो दिस इज लाइक पू मींस फ्लावर, तरा मींस लाइक स्पेस। ओके। देयर यू प्लेस इट। सो इट हैज सेवन लेवल्स एज यू कैन सी, रिप्रेजेंटिंग द सेवन लेवल्स ऑफ चक्रास। And this is basically the setting face of Bhagavati, the Kalari Bhagavati. She is the goddess of the face. Okay. And this usually don't find in other Kalaris. This is the Bhadra Kali. So this is the Kathi, you see, is from a special face which was given to Asan. Okay. So this you don't see in other places. Okay. So and that Kathi means talwar. Talwar, talwar. Yeah. Okay. So and then that's the what do you say, Bhadra Kali. Yeah. That's the kingdom there. Okay. The table. That. That one. Okay. And this is Nagatara. Nagatara. So Nagas are basically like the, so in our body we have a Nagavayu. So okay. Which is the energy which moves from the lower center to higher center, in like how Kundalini is also one of the major Nagavayu. Okay. So Nagatara. That is Guru Tara. So basically. That wooden one or that second one? So this is the first. This is the first one. Okay. And out of the three Taras here. Okay. Except Poo Tara. Okay. This is the first one. Okay. So that is that again you don't find in other colors. This is only here because yeah. You know, tradition. Okay. And this is like I said, Nagatara. So this is Guru Tara. Guru Tara. Yeah. Guru Tara is like all the gurus basically, or the lineage. If no one is Agastya or Parashurama, so that's the lineage. And that's the Ganapati Tara. Ganapati Tara. Yeah. Ganapati Tara. Okay. So apart from that is also called as. And what about this? The last. So Ganapati is basically for every knowledge, he is the one who integrates the knowledge. Okay. So whatever you learn, you want to kind of remember it. No, that is Nagatara. This is Nagatara. That is Bhadra Kali. Okay. Sorry. That is Bhadra Kali. This is Nagatara. No. This is Guru Tara. This is Ganapati Tara. Okay. Okay. So that is also called as I think what is that? Weapons. I forget what it's called. Weapons. Which weapons, sir? Weapons. That one. All weapons. Yeah, usually that's where the weapons should be kept, but like you know, here there is not enough space. Okay. Apart from that, there are deities on the ground, which is Hanuman. Okay. Which is like, you know, you pray at the center. Okay. And yeah, that's these are the deities. And this mud also, like you know, they extract it up, they consecrate it with a lot of herbs and everything. So even if you get hurt or anything, you know, it will recover faster. So it's okay. Whenever it's initially done, so it's done in such a way that you know you take. So it's like, you know, this is supposed to be 3 feet below the ground. So whatever the mud you take it out will be in the 3 feet walls, so total 6 feet around you. That is the structure of any canary. And yeah, so central one I told you, they'll mix it with the cow dung and other haldi and everything. So this mud is actually kind of medicated mud. It's not like normal mud. Okay. So that's the canary space. Okay. Thank you. Thank you.
अपना क्या है भाई? ये अप्पम। ये लौकी की, लौकी की सब्जी। और ये टमाटर चटनी। और ये टमाटो, ये टमाटो की, टमाटर की चटनी है भाई अपने। तो ये अपना रात का खाना। अभी बस यार खाना खा रहा हूँ, और पूरा दिन आज सेकंड डे था। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस, मतलब दर्द हो रहा है, बट लाइक मज़ा भी काफ़ी आया। इंटेंस प्रैक्टिस हो रही है, और अपनी पूरी जान डाल रहा हूँ भाई जितना मैं कर सकता हूँ। और आज का डे हम यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं कल के डे में। आज हमने वैसे सीखा लंगोट मारना, और ऐसे ही कल कुछ और नई नई चीज़ें सिखाऊंगा। वैसे तो कल संडे है, कल सिर्फ इवनिंग में ही प्रैक्टिस होगी, बट फिर भी देखते हैं, अगर कुछ सही हुआ तो आगे की चीज़ें आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पे हम ना व्लॉग ये ख़त्म करते हैं। बाय।